और जनपद पौड़ी के कंडोलिया मैदान में मुख्यमंत्री उदीय मान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के लिए जिला स्तरीय ट्रायल के द्वितीय चरण का समापन हुआ है। यह ट्रायल जिला क्रीड़ा अधिकारी पौड़ी अनूप विष्ट की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था। खेल का पहला चरण कोटद्वार में आयोजित हुआ, जबकि द्वितीय चरण के अंतिम दिन पोखड़ा, एकेश्वर और श्रीनगर के 89 छात्र-83 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी पौड़ी अनूप विष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के जिला स्तरीय ट्रायल में 503 बालक और 493 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया, जिनका मूल्यांकन कर 300 खिलाड़ियों को चयनित कर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। और 1296 के सापेक्ष में लगभग हमारे अराउंड हो गए हैं आज तक, ठीक जो कल तक का जो हमारा आंकड़ा था वो 876 कल तक का आंकड़ा था हमारा, और आज लगभग 250 के आसपास का जो स्ट्रेंथ है, तो कुल मिला के 1200 के सापेक्ष लगभग 1000+ बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से हमने 300 बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए चयनित करना है।